हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास कुकिंग। आज हम लोग बनाएंगे कांदा पोहा को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे 1 कप जितना पोहा, उसे हम 2 बार अच्छे पानी से धो देंगे। हमें इसे ज़्यादा देर नहीं धोना है, नहीं तो ये गल जाएंगे। इस प्रकार से हम इसे धो देंगे और अच्छे से छान लेंगे। अब हम लेंगे 1/2 कप जितना मूंगफली, जिसे हमने फ्राई कर लिया है, साथ ही 1 टमाटर और 1 आलू और 1 प्याज। इनको अच्छे से बारीक काट लेंगे। अब हम लेंगे 1 बड़ा सारा पैन, उसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जितना तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच जितना हींग। हींग डालने के बाद हम डालेंगे 1/2 चम्मच जितना राई। राई को चिटकने देंगे। उसके बाद डालेंगे 1/2 चम्मच जितना हल्दी और साथ में आलू को डाल देंगे। आलू को हम लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे और ऊपर ढक्कन लगा देंगे। हमारे आलू पक गए हैं। अब हम डालेंगे प्याज को और प्याज को भी इसके साथ में 2-3 मिनट तक पकाएंगे। हमारे आलू और प्याज दोनों पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर को और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच जितना नमक और उसे मिक्स कर लेंगे। और अब ऊपर से डालेंगे पोहा को और उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। प्रकार से हम पोहे को मिक्स कर लेंगे। ऊपर से डालेंगे मूंगफली को साथ ही ऊपर डालेंगे कटिंग धनिया और नींबू का रस। हम यहाँ 1/2 नींबू लेंगे। ऊपर से कटिंग धनिया डाल देंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, ये तैयार हो गए हमारे शानदार से पोहा। अगर आपको हमारी ये पोहे की रेसिपी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।